छाता में आगामी चुनावों के मद्देनजर पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। आने वाले लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए एसडीएम छाता श्वेता सिंह और पुलिस क्षेत्राधिकारी छाता आशीष शर्मा ने भारी संख्या में पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के साथ छाता कस्बे के प्रमुख स्थान सब्जी मंडी मेन बाजार नई तहसील पैगाम रोड नगला थोक सरकारी हॉस्पिटल सिंगू थोक बीच का थोक आदि जगह से फ्लैग मार्च निकाला। अचानक से कस्बे में भारी पुलिस बल को देख लोग चकित रह गए और एक दूसरे से लोग भारी संख्या में आई हुई पुलिस बल के बारे में जानकारी लेते हुए नजर आए। इस दौरान अधिकारियों ने लोगों से बातचीत करते हुए आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। वहीं फ्लैग मार्च के बारे में एसडीएम छाता श्वेता सिंह के द्वारा बताया गया कि आने वाले लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कस्बे के प्रमुख जगह पर भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया गया। किसी को भी कानून से खिलवाड़ की अनुमति नहीं दी जाएगी। अफवाहों को फैलाने वालों की जांच कर उनके ऊपर कठोरतम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। लोकसभा चुनाव में उपद्रव फैलाने वाले किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान एसडीएम छाता श्वेता सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी आशीष शर्मा, थाना प्रभारी निरीक्षक त्रिलोकी सिंह, कस्बा चौकी इंचार्ज सुधीर नागर, उप निरीक्षक मदन सिंह, चेतन पीआरवी निर्भय के अलावा पैरामिलिट्री के जवान मौजूद रहे। अमित अग्रवाल, मथुरा समाचार 24। क्योंकि सब लोग जिस तरह से जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 जल्द ही डिक्लेयर होने वाला है, उसी के दृष्टिगत चुनाव के दृष्टिगत फ्लैग मार्च सभी कस्बों में किया जा रहा है और आज छाता कस्बे में फ्लैग मार्च पैरामिलिट्री फोर्स के साथ और पुलिस बल के साथ किया गया है और पूरे कस्बे का भ्रमण किया गया है। जैसे कि अफवाह फैलती है उस पर क्या जोर दिया गया है? किसी प्रकार की अफवाह को पहले चेक किया जाएगा। यदि किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो कंप्लेन आई है, भले वो सी विजिल हो, ऑनलाइन कोई और प्लेटफॉर्म हो, या लिखित रूप में, या कहीं से भी ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कोई कंप्लेन आएगी, तो उसको तत्काल FST, SST और BLO लेवल से और अन्य अधिकारियों के लेवल से उसको चेक कराया जाएगा और उसको उसका क्लैरिफिकेशन सोशल मीडिया पे और सभी प्लेटफॉर्म्स पे किया जाएगा, जिससे किसी प्रकार की अफवाह या कोई भी शिकायत जो है उसका निस्तारण कर सके। उपद्रव करने वालों को क्या किस प्रकार से अंकुश लगेगा? क्योंकि चुनावी वर्ष है तो इसीलिए किसी प्रकार के उपद्रव को जो कि गैरकानूनी होगा या इलीगल होगा उसको सहन नहीं किया जाएगा और कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी भी कस्बे में जो ऐसे लोग हैं जो उपद्रव करने की जिनकी आशंका है उनको चिन्हित करके उनके ऊपर लगातार कार्रवाई 116 की, 151 की, 110 जी की करी जा रही है, जिससे एक मैसेज जा सके कि एक चुनाव में किसी प्रकार की छोटी से छोटी गलती भी किसी की सही नहीं जाएगी। राके